गुड मॉर्निंग डियर डायबिटिक्स, कैसे हो आप? विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली एंड विश यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्दी दिवाली। तो आज हम देखेंगे पांच रीजंस जिसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट का शुगर कंट्रोल में नहीं आती। क्या आपको पता है इंडिया में 7.7 करोड़ डायबिटिक्स है और उसमें से 75% लोगों की ब्लड शुगर HbA1c कंट्रोल में नहीं रहती। इन लोगों का HbA1c 7 के ऊपर है। तो इसके रीजंस क्या है, आइए देखते हैं। नंबर वन, इनको पता ही नहीं कि इनकी शुगर कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए, फॉर सिंप्लिसिटी, फास्टिंग शुगर 100 का नोट याद रखिए, 100 या उससे नीचे या उसके आसपास, 10 मिलीग्राम हियर एंड देयर। पोस्ट लंच शुगर जो खाना खाने के बाद का, 100 प्लस 50 का नोट। अगेन दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी, सो यू रिमेंबर फिगर्स वेल, कि याद रखिए 150, 100 और 150। ये 150 रीडिंग कभी भी आपका पोस्ट मील और एनी टाइम रैंडम शुगर आल्सो इसके आसपास रखना जरूरी है। सेकंड पैरामीटर है HbA1c। HbA1c यानी गए 3 महीने का ब्लड शुगर, एवरेज शुगर। सो गए 3 महीने का एवरेज शुगर जो HbA1c टेस्ट दर्शाता है, वो आपका 6.5 और 7 के बीच में रहना चाहिए। जो एल्डरली है, अबाउ 60 है, उनका हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। तो ये रहे पैरामीटर्स कि आपकी फास्टिंग शुगर 100 याद रखिए, पोस्ट लंच या रैंडम शुगर 150 और HbA1c 6.5 और 7 के बीच में। तो काफ़ी लोगों के पता ही नहीं रहता, तो उनको पता कर नहीं सकते वो कि बाबा नॉर्मल शुगर और अच्छा HbA1c अचीव नहीं कर सकते। रीज़न नंबर दो, लोगों को पता है कि HbA1c कितना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, फास्टिंग शुगर कितनी चाहिए, पोस्ट लंच कितनी चाहिए, लेकिन देर इज़ अ इनर्शिया और लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट को लगता है कि हम उनको सिम्टम्स कुछ नहीं आते, शुगर उनकी 250 भी हो गई तो सिम्टम्स कुछ नहीं आते, तो उनको लगता है कुछ करने का ज़रूर नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। दे आर नॉट अवेयर प्रोबेबली ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विच कैन इंश्यू, विच कैन कम अप बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से कितने कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इसका उन्हें पता नहीं लगता, पता नहीं होता। ये रीज़न नंबर दो। रीज़न नंबर तीन, डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल कर नहीं पाते कि उनके पास ग्लूकोमीटर ही नहीं होता। अब सोचिए, ग्लूकोमीटर नहीं तो आप, आपकी शुगर कितनी है कैसे मालूम पड़ेगा आपको? ये आज समुद्र में जा रहे हैं, जहाज में बैठे और आपके पास कंपास होका यंत्र ही नहीं है, तो कौन सी दिशा में आप जा रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा। तो एवरी डायबिटिक पेशेंट मस्ट हैव ग्लूकोमीटर, और आपको होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार, फॉर एग्जांपल आपकी छुट्टी का दिन लीजिए, से संडे और एनी अदर हॉलीडे विच यू आर हैविंग, सिलेक्ट दैट, और उसमें 6 शुगर्स कीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके पहले और इसके 2 घंटे बाद। और न तो केवल ये करना है, आपको एक चार्ट बना के उसमें एंटर करना है। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स यू विल रियलाइज कि आपका चार्ट आपको कितनी आइडिया देता है आपकी शुगर कैसी जा रही है। यू मे फाइंड कि आपका, हाँ, इवनिंग का शुगर आपका ज़्यादा होता है, तो एटलीस्ट आप ये 6 शुगर हफ्ते में करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ग्लूकोमीटर इज़ अ मस्ट। अगर आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं होगा, तुरंत ले लीजिए और होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग वंस इन अ वीक ये 6 शुगर स्टार्ट करना चालू कीजिए। ये रहा रीज़न नंबर 3। और रीज़न नंबर 4, काफ़ी डायबिटिक्स जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता, उनको लगता है मुझे सिम्टम्स नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एकदम रॉन्ग चीज़ है कि आप कम से कम महीने में एक बार आपके डॉक्टर के पास, स्पेशली डायबिटोलॉजिस्ट के पास या MD फिजिशियन के पास जाइए और उनके पास जाके चेकिंग करके लेते जाइए।
कभी कभी आपके इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं, आपका बीपी भी नॉर्मल होना ज़रूरी रहता है। ये सारी चीज़ जो है ये आपको अपने आप नहीं समझेगी, उसके लिए आपका मेंटर यानी आपका डॉक्टर जो है वही आपको हेल्प कर सकता है। सो वंस इन अ मंथ फॉलो अप विद डॉक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट। और फिफ्थ चीज़ जो है कि ये सब ऊपर की चीज़ कर रहे हैं लेकिन पेशेंट का दो चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, नंबर वन डाइट एंड नंबर वन लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि डाइट बराबर ले नहीं पाते और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको मेंटर की ज़रूरत है, आपके डॉक्टर जो है डायबिटीज़ के वो आपको एडवाइस करेंगे कि क्या डाइट लेना है प्रॉपरली, क्योंकि देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है डाइट के बारे में कि वो लोग कर नहीं पाते, और जब भी वो कर नहीं पाते तो आपकी टैबलेट्स बढ़ते जाती है, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते आपकी टैबलेट्स बढ़ते जाती है, फिर इंसुलिन लेने की नौबत आ जाती है और कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हो जाते हैं। तो ये रहे पांच मेन रीज़न। और अगर आप देखिए इसमें से कौन सा रीज़न आपको एप्लीकेबल है एंड टेक हेल्प ऑफ योर डॉक्टर, वही एट आदित्य नर्सिंग होम फाइंड कि जब हम लोगों पेशेंट को गाइड करते हैं तो विद इन 21 डेज ऑलमोस्ट 95% पेशेंट की ब्लड शुगर जो है वो रेंज में आ जाती है, और विद इन 3 मंथ्स एवरीबडीज HbA1c कम्स इन नॉर्मल रेंज, मेनी टाइम्स बिलो 5.7 ऑल्सो विच इज़ अ नॉन डायबिटिक रेंज। सो अगर आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो हेल्प डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा हेल्पलिक्स करके ऐप है उसमें एक लिंक दिया है, मेरा कोड नंबर दिया है, वो आप एंटर कर सकते हैं एंड यू कैन हैव ऑनलाइन कंसल्टेशन, विद दैट योर शुगर्स आर गोइंग टू कम टू नॉर्मल डेफिनेटली। मैं हूँ डॉक्टर विजय चिले, MD फिजिशियन एंड डायबिटिक सेवियर। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू अगेन हैप्पी प्रॉस्परस एंड हेल्दी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।